यमुनानगर में 10,000 पीले राशन कार्ड काटे जाने और प्रॉपर्टी आईडी डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर जनता को परेशान किए जाने के विरोध में आज इनेलो सड़कों पर उतरी। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की अध्यक्षता में इनेलो ने जगाधरीनाथ मंडी गेट पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिनके कार्ड काटे गए हैं वह गरीब लोग हैं और कुछ लोगों ने कर्ज ले रखा है। ऐसे में 10,000 लोगों के पीले राशन कार्ड सरकार ने काट दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी का भी गलत सर्वे हुआ है, घर बैठे जो सर्वे किया गया है किसी का मकान किसी के नाम चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से शहर का एक एक व्यक्ति इस चीज़ से परेशान है। पूर्व विधायक ने कहा कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी इन मांगों की ओर जल्द से जल्द ध्यान दे। नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से हम डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आज इन्होंने 10,000 पीला कार्ड काट दिया। आज पहले ही इतनी महंगाई है कि गरीब आदमी का रोटी खाना मुश्किल है, उसके बाद जो राशन मिलता था पीले कार्ड के माध्यम से वो राशन कार्ड काट दिया इन्होंने। जो आदमी जिन लोगों ने अगर कोई फैक्ट्री प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता है तो उसमें भी इन्होंने उसको इंडस्ट्रियल लेबर का आधार बना के उसका पीला कार्ड काट दिया। अगर किसी गरीब आदमी ने कोई एजुकेशन लोन ले रखा है तो उसको आधार मान के उसका भी पीला कार्ड काट दिया। और अगर इन्होंने किसी भी गरीब आदमी के पास अगर कुछ दो या तीन या चार किसी के बच्चे हैं, चार परिवार इकट्ठे रहते हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा है और उसमें अगर बिजली का बिल चार परिवारों का इकट्ठा आ गया, उसको भी धार मान के इन्होंने पीला कार्ड काट दिया। इस तरह करके बहुत ज़्यादा खामियां हैं। और हमारे जो ये इन्होंने सर्वे किया है, ये जिन लोगों ने भी सर्वे किया वो घर बैठ के सर्वे किया है, तो हमारी सरकार से ये डिमांड है कि दोबारा सर्वे करा जाए, जो लोग पात्र हैं उनको जरूर दिया जाए, क्योंकि ये गरीब के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। क्योंकि आज के ज़माने में इतनी महंगाई है कि गरीब आदमी रोटी खाने से भी तंग है, उसके बाद उनका राशन कार्ड काट दिया जाए तो वो लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारी सरकार से बहुत तो सरकार से हमारी ये डिमांड है कि हम गरीब आदमियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है एक आम आदमी गरीब आदमी की पार्टी है। तो हम इनकी डिमांड लेके आज सरकार के पास आए हैं और ये जो है हमारी बात माना जाए। और प्रॉपर्टी आईडी का एक इन्होंने मुहिम चला रखी है, वो बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहा है करी जा रहे हैं। वो लोग घरों में बैठे बैठे ही किसी का प्लाट किसी के नाम और किसी का प्लाट किसी के नाम चढ़ा रहे हैं। वो बहुत बड़ी धांधली है और खास तौर पे निगम के अंदर तो बहुत बड़ी धांधली चल रही है, हर चीज में करप्शन है। तो हमारी सरकार से गवर्नर साहब से ये हाथ जोड़ के अपील है कि कम से कम इस चीज़ को देखा जाए, कि करप्शन को रोका जाए, जो लोग भी करप्शन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। बहरहाल देर से ही सही, इनेलो आज जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरी है। ऐसे में जहां इनेलो ने पीले राशन कार्ड काटे जाने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन करने की बात। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।